भगवान भोलेनाथ गौरा को राम कथा रसपान करा रहे हैं। काहे है गौरा, कल के सत्र में आपने परमात्मा श्री राम के अवतरण की कथा का रसपान किया। नौमी तिथि में भगवान श्री राघव का अवतरण हुआ। अगली तिथि में, दसवीं तिथि में, पुख नक्षत्र में प्रभातकालीन बेला 4 बजे के समय में महाराज भरत जी का माँ कैकेयी की महल में जन्म हुआ और दसवीं तिथि की संध्या के समय आश्लेषा नक्षत्र में मां सुमित्रा की आंगन में 2 पुत्रों का अवतरण हुआ। 4 पुत्र राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हैं महाराज। कल आपने सुना गौरा, परमानंद पूर्व मन राजा, परमानंद में डूब गए हैं राजा दशरथ। उसकी उनकी खुशी का क्या ठिकाना। और सभी देवता प्रसन्न हैं, पर एक देवता, एक देव उदास हैं और रो रहे हैं। वो कौन है? बोले वो है चंद्रमा है। ऐसा बताते हैं बाबा, तुलसी ने मानस में लिखा है 1 महीने का दिन हो गया, राम जन्मोत्सव जब मनाया तो वह 1 महीने का दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था कि निशा कवन विद हो। रात्रि नहीं हुई 1 महीने तक। अब इसका भाव आप ये भी निकाल सकते हैं, अयोध्या वासी राम जन्म के उत्सव में इतने डूब गए, उनको यही नहीं पता लग रहा कि कब दिन हो गया, कब रात हो गई, कब रात हो गई, कब दिन हो गया। ऐसा लगा, ऐसा क्रम ये चलता रहा 1 महीने तक। भगवान श्री राम ने चंद्रमा की तरफ देखा, कहा चंद्रमा जी आप बड़े उदास हो रहे हो, क्या मेरे आने से आपको दुख हो रहा है? बोले नहीं महाराज। बोले क्यों उदास हो, क्यों रो रहे हो? सब देवता खुशी मना रहे हैं। महाराज मुझे आपका दर्शन नहीं हो रहा है। निशा कवन विद हुई, अब मुझे तो आपका दर्शन जब होगा जब मेरी निकलने की बारी आएगी। रात्रि हो नहीं रही है तो मुझे तुम्हारा दर्शन नहीं हो रहा, ये सूर्य अस्ताचल को नहीं जा रहा है। भगवान राम बोले चिंता मत करो, तुम्हारा नाम चंद्र है और मेरा नाम राम है, आपके नाम को अपने साथ में ऐड कर लेता हूं, नाम हो जाएगा राम चंद्र। लेकिन चंद्रमा फिर भी रोने से शांत नहीं हुए। फिर भगवान राम ने कहा क्यों, क्या हुआ? महाराज तृप्ति नहीं हुई ऐसे, बहका रहे हो आप, मिठाई की गोली दे रहे हो जैसे बालक को बहका देते। बोले फिर, बोले तो जाओ अगली बार में मैं अवतार लूंगा तो तुम्हारे वंश में ही अवतार लूंगा, और जिस समय मेरा अवतार होगा उस समय सारा संसार सो रहा होगा, केवल तुम जग रहे होंगे और वसुदेव और देवकी जग रहे होंगे। इसलिए परमात्मा श्री राम का अवतार फिर चंद्र वंश में हुआ। अगली बार में तो सूर्य वंश में हुआ, अगली बार में तेरे वंश में, चंद्र वंश में अवतार लूंगा। यह सुनकर के चंद्रमा बड़े प्रसन्न हो गए, बोलो जय श्री राम। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती आज तो मैंने एक चोरी की। काहे की महाराज, आप चोरी करते तो शोभा नहीं देते। अरे आप चोरी करोगे? बोले हाँ। काहे की चोरी करी महाराज? बोले मैंने रामलला के दर्शन की चोरी करी। अच्छा महाराज कैसे चोरी करी? मानस में गोस्वामी जी चौपाई लिखते हैं, आओ गुनगुनाते हैं। नौ एक चोरी और
महाराज रामलला के दर्शन की चोरी करी? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले मैं चोरी से रामलला का दर्शन करने के लिए गया, माँ पार्वती ने कहा स्वामी अकेले गए। बोले ना, अकेले चोरी करने में आनंद नहीं आवे, दो हो तो ठीक रहे। अकेले तो भाई भजन करने में ध्यान लगाना हो प्रभु का, अकेला होना चाहिए। कीर्तन करना हो तो दो होने चाहिए, सत्संग करना हो तो अनेक होने चाहिए। और चोर भाई चोरी करे तो दो तो हो। बोले कौन गए आपके साथ? बोले हाँ, काग सुन संग हम दो मनज रूप जाने नहीं को। काग सुन जी को साथ लिया और हम दोनों सरयू के किनारे जाकर के बैठ गए। अब पार्वती ने कहा महाराज कैसे कैसे चोरी करी, थोड़ा थोड़ा बताओ, रहस्य बताओ। बोले हम दोनों सरयू के किनारे जाकर के बैठ गए। इधर राम जी ने रोना प्रारंभ कर दिया। अयोध्या में एक चर्चा हो रही थी, अरे कोई नजर उतारना जानता क्या? माँ कौशल्या ने सोचा आहा लाला रो रहा है, शायद नजर लग गई है, नजर लग जाती है बालक, ये पक्की बात है। रोने से भगवान शांत नहीं हो रहे। अब पूरी अयोध्या में वो बात फैल गई। अब सरयू के किनारे ये बैठे हैं, किसी ने आकर के कहा अरे कोई बालक की नजर उतारना जानता है क्या? लाला को नजर लग गई है। बस हमने ये कानों से ये शब्द सुन लिए, सो हम दोनों ही राजमहल के लिए चल दिए। अब किसी ने रास्ते में कहा बाबा तुम बालक की नजर उतारना जानते हो क्या? बोले हाँ हाँ खूब जाने, तो चलो बाबा। अब हमको राजघराने में राजमहल में प्रवेश मिल गया, बहाने से नहीं तो हमको कौन घुसने देता। मैंने रामलला का दर्शन किया और बस राम जी रोने से बंद हो गए। और राम जी तो रोने से बंद हो गए, रामलला का दर्शन करने के बाद में मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। लेकिन वह आंसू की धारा नहीं थी, बोले और बोले वो तो भक्ति के आंसू की धारा थे। आंखों में कथा सुनते सुनते आंसू आ जाना, ये भक्ति के आंसू हैं। कथा सुनाते सुनाते आंखों में आंसू आ जाए, समझ लेना ये भक्ति के आंसू हैं, साधारण आंसू नहीं है। माँ कौशल्या ने मेरी तरफ देखा, कहा अरे कितने अच्छे साधु बाबा हैं, मेरे लाला का रोना स्वयं ने ले लिया है। मैंने कहा माँ कौशल्या से, माँ अपने लाला को मेरी गोदी में दे दूं? यदि तुमने अपने बेटा को मेरी गोदी में दे दिया तो मैं तुमको पक्का बता रहा हूं ये तुम्हारा लाला कभी जीवन में नहीं रोएगा, कभी नहीं रोएगा। बस माँ कौशल्या ने तुरंत ही रामलला को मेरी गोदी में दे दिया। और जैसे मेरी गोदी में आए तो मैं रामलला का जी भर के दर्शन करने लगा। अब काग वसुंड जी मेरे साथ गए थे, मैं उस समय गुरुजी बना हुआ था, वह मेरे चेला बने हुए थे, नाटक कर रहे थे हम, भगवान भोलेनाथ गौरा को ये कथा सुना रहे। तो काग वसुंड जी ने कहा गुरुजी मैं ना रह जाऊं, तुम तो जब दर्शन कर रहे जी भर के, मैं ना रह जाऊं। तो मैंने कहा ऐसा करो चेला जी, मैं तो मुख की तरफ से दर्शन कर रहा हूं, तुम इनके चरण पकड़ लो। तो काग भूषण जी ने चरण पकड़ लिए, बड़ी खुशी का अवसर था गौरा, यह रामलला के दर्शन की मैंने चोरी की। बोले फिर क्या हुआ महाराज आगे? आगे तुम दर्शन करके फिर वापस आ गए? अरे नहीं कौशल्या, अरे पार्वती, कौशल्या माँ ने कहा बाबा तुम कछु ज्योतिष के बारे में जानो? बोले हाँ डिप्लोमा कर रखा है। तो बाबा देखो मेरे इस बेटा के भविष्य के बारे में बताओ। तो मैंने बस रामलला की हस्तरेखा देखी, वर्णन करने लगा।
और मैंने भविष्य बताते बताते कहा, माँ तुम्हारा ये बालक बहुत अच्छा सुलक्षण दार है, ये तो साक्षात्कार में नारायण की समान गुणवान है। और कहा, माँ जब ये कुमारावस्था को प्राप्त होंगे, बड़े होंगे, तो एक महात्मा आएंगे और इनको अपने साथ ले जाएंगे। बस ये सुनते ही माँ कौशल्या की आंखें भर आई, रोने लगी, अरे बाबा ये क्या कह रहे हो। मैंने कहा, माँ घबराओ मत, महात्मा के साथ जाएंगे तुम्हारी ये पुत्र और एक अद्वितीय कन्या के साथ विवाह करके लाएंगे। अब विवाह की बात सुनी तो माँ कौशल्या खुश हो गई। माँ ने कहा, बाबा एक बात और बताओ। बोले, क्या? बोले, मेरा यह बेटा राम, बेटा लाला अयोध्या की गद्दी पर भी बैठेगा या नहीं बैठेगा? अयोध्या की गद्दी का मालिक बनेगा या नहीं बनेगा मेरा लाला? मैंने कहा, माँ अभी राज की रेखा निकली नहीं है। मैंने वो वनवास की बात छिपा ली। मैंने कहा, अभी राजगति पर बैठने की रेखा अभी उजागर नहीं हुई है, निकली नहीं है। अब मां प्रसन्न होकर के मुझे दक्षिणा देने लगी और मैंने दक्षिणा ले ली। अरे दक्षिणा तो लेनी थी, नाटक चल रहा था, ज्योतिषी बने हैं, पंडित जी बने, गुरु जी बने, तो दक्षिणा तो लेनी थी। दक्षिणा नहीं लेता तो वेद खुल जाता। फिर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गए आया और कागभूषण जी बोले, बाबा मैं तो अब यही रहूंगा और मैं नीलगिरी को छोड़ करके नहीं जाऊंगा, फिर मैं तो राम जी के साथ ही खेलूंगा। राम जी कागभूषण जी के साथ खेला करते थे, कौआ के साथ। आगे कथा और आती बड़ी सुंदर। आंगन में कौआ आ जाता है, उसके साथ राम जी खेलते हैं कागभूषण जी के साथ। संत कहते हैं, एक बार जब राम जी थोड़े से बड़े हो गए थे तो शंकर भगवान के मन में फिर राम जी के दर्शन की इच्छा जागी, हनुमान जी को साथ ले लिया और मदारी का रूप बना लिया। आपने देखा होगा गांव गांव में आते हैं ना मदारी, बंदर नचाने के लिए। हनुमान जी को साथ लिया, डमरू बजाने लगे। डमरू तो भगवान भोलेनाथ के पास में रहता ही रहता है, सो डमरू बजाते जा रहे और हनुमान जी साथ ले रखे, बोलो जय श्री राम। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला।